नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंदौर में 3 दिन चलने वाला प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो गया है। रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूथ प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जरूरी है, इसलिए मैं इनोवेशन की बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि नवाचार के लिए साहस भी जरूरी है। या इंदौर में तो झगड़ा हो रहा था, झगड़ा इस बात का कि जब आ रहे हैं तो होटल में काय को ठहरेंगे, हम अपने घर ठहरेंगे। हर एक ललायत था हमारे घर ले चलो। सचमुच में आप सब आए, मैं हृदय की गहराइयों से, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का दिल, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, और आप हमारे दिल के टुकड़े, अतिथि देवो भवा की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनोवेटिव आइडिया आया, लेकिन आइडिया पर्याप्त नहीं है, उसके लिए रोड मैप, उस रोड मैप पर चलने के लिए परिश्रम, रिस्क, नदी के विपरीत दिशा में तैरने का साहस, ये करना पड़ता है, तब नवाचार के रूप में सफलता मिलती है। और सचमुच में जब मैं नवाचार की बात करता हूं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, IBM, मास्टर कार्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो केवल भारतीय ही भारतीय नजर आएंगे।